हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड लेसन मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेसन को शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये कोरोना लॉकडाउन के तहत स्कूलों में क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं ये कोई नहीं कह सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप घर पर बैठकर अपनी स्टडी को जारी रखें और ये वीडियोस बनाकर डालने में काफ़ी मेहनत होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और वीडियोस को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करें और वीडियो में कमेंट्स के द्वारा और लाइक के द्वारा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको वीडियो कितना अच्छा लग रहा है और आप उसका फ़ायदा ले रहे हैं। इससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस के लेसन्स के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करें और वहां से बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेशन मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। न्यायाधीश सप्रू की इस परिभाषा से मैं इस लेशन की शुरुआत करूंगा। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। इस एक परिभाषा से पूरे मूल अधिकारों की महत्ता जो है वो स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो संविधान में मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को रखने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या उद्देश्य था, वो इस एक परिभाषा के माध्यम से पूरी अच्छे से स्पष्ट हो जाती है कि सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। यहाँ और अच्छे से इस मूल अधिकारों की परिभाषा को स्पष्ट कर दिया गया है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे ही मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, यानी राज्य जो है, यहाँ राज्य का तात्पर्य एक देश से होता है, आप किसी प्रांत से आप इसका तात्पर्य नहीं लें। यहाँ पर राज्य का अर्थ है भारत एक संघ राज्य से, तो राज्य द्वारा उनमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं और पहला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यानी इन मूल अधिकारों को संविधान में वर्णित किया है, संविधान में इनको जगह दी है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या इनका महत्व है। सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात इन मौलिक अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए वो प्रयत्नरत हो सकता है और राज्य का भी ये दायित्व बनता है कि वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे एक उचित माहौल प्रदान करे। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर
ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधान में दिए मूल अधिकार शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के अधिकारों की शक्ति व बहुमत दल की तानाशाही से, नोट करें, अंडरलाइन करते चलें आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, तो ये शासन के अधिकारों की शक्ति व बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। अर्थात किसी पार्टी की अगर उसका बहुत अधिक बहुमत है, सत्ता में है, तब भी वो किसी भी नागरिकों के मूल अधिकारों में किसी भी तरह से कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार ही हमारे को ये अधिकार प्रदान करते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती है या इन्हें न्यून करती है, न्यून यानी इनको कम करती हो, ऐसी कोई विधि का निर्माण राज्य नहीं कर सकता है। तो इससे हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, यानी वो शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं। अर्थात सत्ता में बैठे लोग अपनी मनमर्जी करके और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्षरण वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। आप नोट करें यहाँ पर न्यायिक सुरक्षा, ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है कि व्यक्ति का अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति समूह के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या स्वयं राज्य के द्वारा भी अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है। चौथे पॉइंट पर हम बात करते हैं लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र इन मूल अधिकारों के बिना शून्य प्राय है। यानी इनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है समानता के कारक। संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि मूल अधिकारों को संविधान में जगह देने के पीछे एक और कारण यह है कि प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे ऊंचा हो, नीचा हो, कोई भी हो, किसी भी तरह से उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। और आपको अगर ज्ञात हो तो आज़ादी से पूर्व हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को एक विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। उन सभी विशेष अधिकारों को यहाँ मूल अधिकारों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के संविधान में मूल अधिकार, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई है उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए बात करते हैं एक एक करके। राष्ट्र की एकता व आम नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टरों में सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल है। यानी मूल अधिकार जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं और ये अब तक विश्व का सबसे विस्तृत चार्टर है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। अंडरलाइन करते चलें आप, मूल अधिकारों को लेकर कुल 23 अनुच्छेद हमारे संविधान में वर्णित हैं। ये अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक दिए गए हैं। इनमें भी कुछ अनुच्छेद असाधारण रूप से विस्तृत हैं। विशेष रूप से 19वें अनुच्छेद में 450 शब्द होने से इसका आकार अत्यधिक व्यापक हो गया है। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक स्वरूप है। मौलिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव ने कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है।
ये वे नैतिक अधिकार हैं जिन्हें हर हाल में हर जगह हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वह चेतन तथा नैतिक प्राणी है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छाचारानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी जब देश के संविधान का निर्माण हुआ था तो प्रारंभ में प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में ही अब सम्मिलित किया गया है। इस तरह स्पष्ट है कि अब मूल अधिकार 6 रह गए हैं, जो इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में वर्णित है, और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। आइए एक एक करके अब हम इन अधिकारों का, इन मौलिक अधिकारों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। इनको आप अंडरलाइन करें, याद भी रखें, मेन मेन पॉइंट्स को आप याद करते चलें। इसी के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने अलग से, इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो भी मैंने अलग से बनाए हुए हैं, और वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस पार्ट की पूरी किताब की, लेसन की पूरी पीडीएफ और नोट्स की पीडीएफ दोनों अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को खोलकर इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं समानता का अधिकार, राइट्स ऑफ इक्वेलिटी। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है। यानी प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष जो है हर तरह की समानता उसे दी गई है, चाहे वो रोजगार के अवसर हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। इस हेतु संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं समानता के लिए। सबसे पहला प्रावधान है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, प्रांत का रहने वाला हो, बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 जो इसका वर्णन करता है, राज्यों को यह आदेश देता है कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जावे। सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थलों यथा भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद में स्त्रियों व बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए भी विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है उसमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय, अपने वंश, लिंग आदि के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और कानून के समक्ष ये सभी समान हैं और समान संरक्षण के अधिकारी हैं। अगला पॉइंट है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन है। इस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। ध्यान दीजिएगा यहां पर लोक नियोजन, लोक नियोजन से यहां तात्पर्य है जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जो क्षेत्र में जितने भी नौकरी के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, वहां पर सभी को समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इस बारे में व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।
किंतु राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यानी सबको समान अधिकार। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए हर किसी का चयन कर लिया जाए। यहां पर योग्यताएं निर्धारित कर राज्य के मूल निवासी हेतु आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दे। यदि आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि इस आरक्षण का उद्देश्य मूलतः समानता की स्थापना ही है, यानी भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये भी सबको समान, सभी में समानता लाने के उद्देश्य से की गई है। अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान में अस्पृश्यता का पूर्ण निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का तात्पर्य यहां पर है छुआछूत से। इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा आचरण किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण ही अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। ध्यान दीजिए, उसकी जाति के कारण, मान लीजिए कोई किसी भी विशेष जाति, जाति विशेष का है, तो उस जाति के कारण ही उससे अस्पृश्य माने जाने के जो अमानवीय आचरण है इसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे पूर्ण रूपेण समाप्त करने हेतु सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 पारित किया गया है। ये कानून अस्पृश्यता के अब तक बने कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। अतः जरूरत इस बात की है कि इसका अस्पृश्यता निवारण हेतु सदुपयोग किया जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आजकल जो केसेस देखने को मिल रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, हम ये देखते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अनावश्यक किसी को परेशान करने के उद्देश्य से ये इस कानून के तहत उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। तो यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि इस अस्पृश्यता निवारण हेतु इसका सदुपयोग किया जाए, साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। आगे बात करते हैं हम उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में जिसका वर्णन है, ब्रिटिश शासन काल में संपत्ति व राजशक्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी। यहां पर ध्यान दीजिए कि आजादी से पहले ब्रिटिश शासन काल में जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती थी या जो धनाढ्य वर्ग हुआ करते थे या जिसके पास किसी तरह की कोई ताकत शक्तियां हुआ करती थी, उनको विशेष उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में एक प्रकार का भेद उत्पन्न करती थी। संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधि दिया जाना निषेध है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा बिना विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यानी भारत का जो नागरिक है वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी उपाधियां भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। बात करते हैं दूसरे अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है, राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं, जिनमें है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य में अबाध भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता एवं आजीविका व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आइए एक एक करके हम इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(क) में इसका वर्णन है, भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता व अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में उचित निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर निर्बंधन का तात्पर्य है रोक लगाई जा सकती है, यानी उपरोक्त कारणों की वजह से, ये जितने भी कारण बताए गए हैं इन कारणों की वजह से इन अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। यानी पहला जो इसका पॉइंट है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार, मतलब कोई भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने की उसे स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन इन सब कारणों की वजह से उन पर आंशिक रोक लगाई जा सकती है। अगला पॉइंट है
अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19(1)(ख) में इसका वर्णन है, इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को भी राज्य हित या सार्वजनिक सुरक्षा हित में सीमित किया जा सकता है, यानी अगर राज्य को लगता है कि ये देश की एकता और अखंडता को बाधित करने में ये बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में इस स्वतंत्रता के अधिकार पर भी रोक लगाई जा सकती है, इसे सीमित किया जा सकता है। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(ग) इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना संगम, संघ या सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, किंतु राज्य हित में इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(घ) इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया है। निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(ङ) इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की गारंटी दी गई है। यहां एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक जम्मू कश्मीर राज्य जो इसका अपवाद हुआ करता था, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के लोग अब तक निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में अभी हाल ही में धारा 370 वहां से हटाने के बाद अब ये पूरी तरह से लागू हो गया है, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र के लोग वहां जाकर भी अब निवास कर सकते हैं। वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(6) इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु जनहित में नशीली व खतरनाक चीजों के व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य हित में न हो को निषेध किया जा सकता है। इनके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी की गई है, यानी ये जो जितनी भी स्वतंत्रताओं का यहाँ वर्णन किया गया है, इनमें परिस्थिति के अनुसार और राज्य हित में इन पर रोक लगाई जा सकती है, इनको सीमित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20, 21, 22 के द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की जो व्यवस्था की गई है उनमें क्या क्या है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20। अब ये क्या है, यानी किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, यानी जब अपराध कारित होता है उस समय जो कानून बना हुआ है उसका अगर उसने उल्लंघन नहीं किया है तब तक उसको आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए जब उसने अपराध किया उस समय जो कानून में जो सजा निर्धारित थी और उसके बाद अब उस कानून में परिवर्तन हो गया है और सजा कम या ज्यादा हो गई है, तो उस वर्तमान की कम या ज्यादा के अनुसार उसे सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि जिस समय अपराध कारित किया गया था उस समय जो सजा निर्धारित थी वही सजा उसे दी जाएगी। दूसरा है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लें आप कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहा गया है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है इस अधिकार को, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 21 में। तीसरा आता है शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया है, यानी पहले शिक्षा का अधिकार जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आया करता था, लेकिन अब इसे वहां से हटाकर मूल अधिकारों में इसे जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ मूल कर्तव्यों में भी इसे जोड़ा गया है, वो हम बाद में बात करेंगे मूल कर्तव्यों को जब हम पढ़ेंगे।
यहाँ हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया है। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सब बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करनी होगी। इसी में यह भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है। चौथा है बंदीकरण से संरक्षण। अनुच्छेद 22 के तहत बंदी बनाए व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब वो क्या क्या अधिकार हैं? यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है कि उसे किस कारण से बंदी बनाया गया है। उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात वो अपने लिए किसी वकील अपॉइंट कर सकता है। कानूनी सहायता प्राप्त करने का उसे अधिकार दिया गया है। 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। यानी उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी को एक न्यायाधीश के समक्ष अर्थात न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। लेकिन निवारक नजरबंदी, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, आइए हम बात करते हैं निवारक नजरबंदी के बारे में। निवारक नजरबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी से है। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं, यानी अपराधी को दंडित कब किया जाएगा? जब वो अपराध कर चुका होगा। तो यहां पर अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। अर्थात यह वह प्रक्रिया है कि किसी अपराधी के बारे में ये लगता है कि ये अपराध घटित कर सकता है तो उसे पहले से ही रोक दिया जाए, तो ये कहलाती है निवारक नजरबंदी। जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रख सकते, जब तक कि परामर्शदात्री समिति जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो की अनुमति प्राप्त न हो चुकी हो। अर्थात उसे 3 महीने से अधिक किसी को नजरबंद नहीं किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया जो बाद में कानून बन गया। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून की व्यवस्था ही है। जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया ये जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया है। पहला यह संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति की नजरबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस ले लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नजरबंद किया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान यह किया गया, नजरबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 से लागू है। अर्थात यानी ये इसके अतिरिक्त नजरबंदी ये कानून जो है इसके अतिरिक्त एक आर्थिक क्षेत्र में भी सुरक्षा कानून बनाया गया है जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम 19 के नाम से जाना जाता है, जो 1974 से लागू है। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। पोटा कानून को समाप्त करने के बाद, ये नाम आपने अवश्य सुना होगा, पोटा यानी हमारे फिल्म जगत की जो प्रमुख हस्ती थी संजय दत्त, उनको पोटा कानून के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर टाडा भी लगाया गया था। तो पोटा कानून को समाप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश जारी किया गया है। इसमें पोटा के कई प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन, यानी ये जो अधिनियम है निवारक निरोध अधिनियम, इसका अगर हम मूल्यांकन करें, इस अधिनियम को कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता व निरंकुशता का प्रतीक माना गया है।
इनके दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रही है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश आतंकवाद अलगाववाद की मार झेल रहा है, ऐसे समय में इस तरह के कानून आवश्यक व उपयोगी भी हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में पतंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता इस प्रकार व्यक्त की है कि इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा है। और अब हम बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब इसके अंतर्गत कुछ अलग अलग शोषण को रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के द्वारा बेगार का तात्पर्य यहां पर है कि बिना मजदूरी का भुगतान किए उससे कार्य करवाना। और आपको ये ज्ञात होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था, अंग्रेजी शासन हुआ करता था, उस समय अंग्रेज हमारे यहाँ के लोगों से बेगार करवाते थे, बिना भुगतान किए, बिना उनका उचित पारिश्रमिक दिए उनसे कार्य करवाते थे, तो वो कहलाती है बेगार। तो इस अनुच्छेद के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाए हुए श्रम का निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी। दासता, जिसे गुलाम बनाकर रखा जाता है, तो दासता की प्रथा विद्यमान थी जिसमें खेतीहर श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों व बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। अर्थात अब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर शोषण करता है, खेतीहर श्रमिकों का या बंधुआ मजदूरों का, जिनको हम देसी भाषा में हाली रखते हैं और उनसे फिर मनचाहा कार्य करवाते हैं, स्त्रियों व बच्चों से बेगार करवाना, ये इस तरह से उनका शोषण करता है, तो ये दंडनीय घोषित किया गया है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमने पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हमने अब तक तीन मूल अधिकारों का अध्ययन किया है। बाकी के तीन जो मूल अधिकार हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को आप अलाउ कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूस जारी रह सके और वो भी घर बैठकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि स्कूल्स कब खुलेंगी ये अनसर्टेन है, कोई कह नहीं सकता है। तो आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि आप इन वीडियोस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। इस लेसन की पीडीएफ और नोट्स की पीडीएफ दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उनका दिया गया है, आप उनको क्लिक करके इन्हें डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठकर। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए अगले तीन मौलिक अधिकारों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।